नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया विधानसभा के सादियाबाद मार्ग जो जखनिया रेलवे क्रॉसिंग से सादियाबाद के लिए जाता है, उसके मरम्मत का कार्य और पिचिंग का कार्य चल रहा है। इसी दौरान विधायक प्रतिनिधि द्वारा उसमें गुणवत्ता विहीन बनाए जाने को लेकर एक वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद प्रशासन सहित तमाम PWD के अधिकारी व JEE महोदय द्वारा एक्शन लिया गया। और तमाम बातों के पीछे क्या कुछ हुआ, आइए हम पूरे दिखाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से यहाँ रोड बन रहा है, उसके संबंध में JEE महोदय का क्या कहना है, प्रतिनिधि द्वारा यहाँ वीडियो वायरल हुई है, तमाम चीज़ें आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। इस तरह से कैसे रोड बन रहा है, क्या मानक विहीन है, क्या कुछ गुणवत्ता है, आइए हम पूरी वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्य हुआ और क्या कुछ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज, मैं हूँ संवाददाता उपेंद्र कुमार। यहाँ पर वर्तमान विधायक बेदी राम की शिकायत थी, उनके प्रतिनिधि भी आए थे कि यहाँ सड़क मानक विहीन बन रही है, इसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन जब उनके कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया कि यहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसको विधायक प्रतिनिधि जी द्वारा बंद कराया गया है, तो तमाम जो PWD से जुड़े अधिकारी थे सभी लोग आए और सभी लोगों ने इसके बारे में पूरी जानकारी ली, देखा किस तरह से बन रहा है। JEE महोदय आए और यहाँ के जो एक्सियन सहित जो तमाम अधिकारी है उन लोगों ने मॉनिटरिंग की। यहाँ पर जो भी गुणवत्ता आपके सामने जो पहले भी बन चुकी है, अभी बन रही है, उसमें तमाम जो JEE महोदय है और जांचकर्ता आए थे यहाँ पर, उनके द्वारा बताया गया कि सही है सब कुछ। लेकिन किस मानक की मैं बात करूं, जब विधायक जी कह रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है और वर्तमान जो JEE महोदय है वो कह रहे हैं कि सही है, तमाम बातें आपके सामने है, आपके साक्ष्य में है और इसके संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं महोदय, आइए सुनते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल वर्मा सर। JEE जी जी, यहाँ पर जो सादियाबाद रोड पर एक सड़क बन रही है, बताया जा रहा है कि अनुरूप मानक के नहीं बन रहा है जी। ये लगातार कार्य सही चल रहा है और शासन के मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है और इस सड़क की पूरी लंबाई जो है 8200 मीटर है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है और इस पर PC का कार्य मरम्मत के अंतर्गत, नवीनीकरण के अंतर्गत कराया जा रहा है, जिसकी 2 सेंटीमीटर कंपेक्टेड मोटाई है। आप लोगों से पूर्व भी मीडिया के लोग आए थे और कई बार आए और आप लोग भी आए हैं, और जिसके सापेक्ष 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हर जगह जहाँ जहाँ चेक मीडिया के सामने हुआ वो पाया गया और मानक के अनुरूप पाया गया और सब सही है। और सुबह में आज सूचना मिली कि विधायक के प्रतिनिधि कोई आए थे तो जो साइट पर आदमी काम कर रहे थे सुबह में, उनको मना करके गए कि काम ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके द्वारा सूचना दी गई। हम लोग यहाँ मौके पर 10 बजे यहाँ पर आ गए और हम लोगों ने देखा कहीं कोई दिक्कत नहीं था। फिर उसके बाद मीडिया के लोग भी आए, वो भी अपना जहाँ जहाँ पर बोले कि कितना इसकी मोटाई है, तो हम लोग मोटाई बताया, चौड़ाई बताया और हर जगह चेक हुआ, सब मानक के अनुरूप पाया गया और शासन के मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। और विधायक जी से भी अनुरोध है कि वो भी आए और देखें, अगर जहाँ उनके भी अगर कहीं अगर देखना चाहते हैं तो उनके सामने भी हम लोग चेक करेंगे और कतई अगर कितना भी ठेकेदार दमदार हो और मानक विहीन कार्य करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमको काम लेना है और हम सही काम लेंगे और इसमें कोई हमें कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी का कहना है कि हम कल आए थे तो मानक से नहीं बन रही थी सड़क और उसकी वीडियो भी उनके पास है। सर सड़क सामने है सर और सारी चीजें यहीं पर है, कोई मतलब यहाँ से हटी नहीं है। विधायक जी दिखा रहे हैं सड़क, इसी का दिखा रहे हैं कैसे और हमें तो कोई वीडियो या कोई इस तरह का नहीं दिखाया गया कि क्या चीज है। जैसे विधायक जी से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि हमने जो वीडियो निकाला है वह वीडियो मानक के विहीन है। हाँ तो और मानक क्या है वो बताएं, और आप लोग भी आए हैं, उनको सूचित कर दिया जाए, अपने कार्यालय पे हैं। यह कहा गया है कि यहाँ जांच के उपरांत सही पाया गया तो वह कर रहे हैं, हो सकता है ठेकेदार आपको सही बनवा दिया। नहीं, अभी आपके सामने हो रहा है, सारा काम हो रहा है, पहले पूर्व में पूरी रोड पूरी लंबाई यही पर पड़ी है, पूरी सड़क है। श्रीमान जी, ये एक बात समझ में नहीं आ रही है जी कि आपके द्वारा बताए जाने पर गुणवत्ता इसकी 100% सत्य है जी, विधायक जी से पूछे जाने पर गुणवत्ता क्या है, गुणवत्ता का मानक बताइए, गोल मटोल उनके द्वारा उत्तर दिया गया। वो कहे कि JEE और AE और ठेकेदार मिलकर के रोड को लूट रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, विधायक जी की भी मंशा है कि सड़क अच्छी बने, सरकार की भी मंशा है कि अच्छी बने और हमारी भी मंशा है कि अच्छी बने और हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव है, इस समय हमारे एक्शन नहीं है, सारे लोग की ड्यूटी लगी है, उसके बावजूद भी हम लोग उसमें से समय, चूंकि सड़क महत्वपूर्ण है
और सबकी मंशा है, सरकार की भी मंशा है कि सही कार्य हो, तो लगातार हम लोग की मॉनिटरिंग हो रही है और इस पर सरकारी हमारे जो बेलदार और मेट हैं चार लोग नियमित रूप से जितना देर कार्य चलता है वो पूरे उपस्थित रहते हैं और हर हर चीज पर डे का रिकॉर्ड कितनी लंबाई हुआ क्या चौड़ाई हुआ और पर डे जांच होती है फिर उसके आगे ही कार्य बढ़ता है। सर रोड एक दिन बना है कि कई दिन से काम चल रहा है? ये तो पर डे ये तो एक सप्ताह से चल रहा है काम चल रहा है। और पहले इसमें रोड में बड़े बड़े गड्ढे थे जी। तो उस गड्ढे को उसको जो है पैचलेस किया गया और पैचलेस करने के बाद फिर जखनिया की तरफ से इस पर जो है कार्य कराया जा रहा है। लेकिन सर विधायक जी के कहने के अनुसार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग मिले हुए हैं ठेकेदार से और इसलिए आप लोग सही मानक बता रहे हैं। ये तो जांच का विषय है तो हम लोगों ने जांच किया और जांच में हम लोग सही पा रहे हैं। अगर विधायक जी की भी अगर मंशा है तो बिल्कुल विधायक जी का अधिकार है और उनके निर्देशों का हम लोग अनुपालन करेंगे और उनकी भी मंशा की अच्छी सड़क बने और हम लोग की भी मंशा है और सरकार की भी मंशा है तो और अच्छी सड़क बननी चाहिए। विधायक जी जागरूक है तो और भी ठेकेदार अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है। वही PWD के अधिकारियों और जो संबंधित विभाग के ठेकेदार हैं तमाम लोगों द्वारा बताया गया कि जो मानक है उसके मानक के अनुरूप यहां कार्य हो रहा है, किसी तरह से कोई मानक विहीन कार्य नहीं हो रहा है। फिलहाल तमाम टीम और पत्रकारों की टीम ने भी जांच की लेकिन कहीं से भी मानक विहीन कार्य नहीं पाया गया। यहां जो भी चल रहा है सब कार्य संतुष्टजनक है। तमाम जो PWD के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं सभी लोगों ने चेक कर लिया है इसे और इसके संबंध में UPJEE महोदय द्वारा भी बताया गया कि अगर कहीं से भी कोई कमी आती है तो हम लोग खुद उसको रोकते हैं और विभागीय जांच भी करते हैं और उसके बाद ही वहां कार्य कराया जाता है। इस तरह से लापरवाही हमारे जहां तक देख रेख है कार्यभार क्षेत्र वहां नहीं हो सकती है। इस तरह के तमाम कार्यों के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।